एक अगस्त का आप नज़ारा देख रहे हैं, बाजार में हम लोग खड़े हैं, पानी बरस रहा है, अब हम लोग झिल्ली ओढ़े हुए हैं, इस वजह से बंदर जो है वो नहीं आ रहा है। हाँ भाई आओ जल्दी, अब कई जगह जाना, शाम का टाइम, घोड़े के लिए कना खरीदना है जाके, याम है या चना है, थोड़ा आगे बढ़ा दो जरा ये। हाँ देखिए ये नज़ारा, बारिश हो रही, सब दुकानदार छोड़ छोड़ के यहाँ वहाँ बैठे हैं, अभी बाजार यहाँ का लग रहा है, ये सब्जी मंडी है मंगलवार शनिवार को, गोला बाजार चौराहा इसके बगल में आप देख रहे हैं, इससे और आगे जाओ तो वहाँ बच्चे पूल है। अरे कहाँ भगा रहे हैं, कुछ लेके भागे का उसको? अच्छा अच्छा, लेकिन दिखावट रहा कुछ। तो काम न करो, हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगर भीगना है तो थोड़ा वही फाटक के लगे चना उना डालो, देखो खा रहे हैं है ना, अगर भीगना है तो नहीं थोड़ी देर रुको, आज तो हम लोग जल्दी आ भी गए हैं, अब यह चलिए कई दिन का शाम शाम का पानी बरसी, आप देख रहे हैं नज़ारा है? उम्र देखो काम देखो, इसीलिए कल मना किया उन्होंने कि रिश्तेदार जो हैं, फोन आया कहें बाबा जी आने वाले समय में सेवा के जगह आप चाणक्य की तरह जाने जाएंगे, तो अगर आपने बेमिसाल सेवा किया है जो किसी संत महात्मा नेता अभिनेता ने नहीं किया, कभी किसी ने नहीं किया, पूरे भाग्य जितते रहे सब। अच्छा पानी करते लग ना, हाँ हाँ लुटा एक बरेगे होंगे, हाँ हाँ हाँ, कहीं पेड़ के आड़ में छिपके बैठी हैं, तो हमने कहा बताइए कहें अब प्रतिज्ञा कर लीजिए, किसी भी नेता का ना नाम लेना है बाप को और ना ही किसी के कार्यक्रम में कोई लाग बुलावे मत जाइएगा, जब इन लोगों ने कभी नहीं पहचाना जिंदगी में कुछ ही पार्टी के नेता ने, तो क्यों उनका आप नाम लेते हैं और बैठे बैठे एक दूसरे से बुरे बन जाते हैं, लेना एक ना देना दो और बुरे ऊपर से बनते हैं है? तो हमने कहा भैया फिर कहें आपके दरवाजे अगर कोई आता है तो उसका आदर कीजिए, उसका आप उसको आशीर्वाद दे दीजिए बस, बाकी किसी कार्यक्रम में अब आपको नहीं जाना है, चाहे कोई पार्टी का हो, क्या आपके लिए क्या किया आपने, तो एक आपने वो इतिहास लिख दिया है सेवा के रूप में जो दुनिया की तारीख में कोई ऐसा नहीं देखा जाता, आप और आपकी बेटियां बेमिसाल हैं, कोई मिसाल नहीं, सब सुनते हैं और फिर अनदेखी करते हैं, ऐसे लोगों के चेहरे पर थूकना पड़े तो मत थूकिएगा, मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, हमारा कहना मानिए और नहीं तो फिर आपकी बेइज्जती होती है तो हम लोगों की बेइज्जती होती है, लखनऊ में आपको बुलाया गया, कितनी दूर से आप भाग के गए और वहाँ नेता लोगों के वहाँ लखनऊ वाले ने ब्राह्मणों ने और कहें खास करके ब्राह्मणों के नाम तो भूल के मत लीजिएगा, 16 करोड़ ब्राह्मण, अगर 8 करोड़ भी आपको फॉलो किए होता ना तो अपने यहाँ पर आपका स्थान, लेकिन जब आपस में सब जात कोई किसी का नहीं है, बस जो हमारी छोटी बिरादरी कही जाती है यही इनमें एकता है, अभी तक ही आम देख रहे हैं बंदर ऊपर से, भाई कहीं कोना काला पड़ेगा तभी तो देगा, बाकी सामने क्या खराबी है, एक दिखाई पड़ रहा है, हाँ अरे देखो भैया नाजिम लग जाए, अब मत ले दिया आ जाओ, ए ए तुम किनारे किनारे फेंको और झिल्ली छोड़ दो हटाओ, क्योंकि भीगना तो है ही, चलो नहीं सर तुमको गाड़ी भी तो पकड़नी होती है, चलो बोला था इन है कि झगुआ झगुआ एक जगह न रखो, एक यहाँ एक हाँ दूर दूर पर, खूब दूर दूर पर रखो, देखना हमारे काम को कोई तनख्वाह पाने वाला भी नहीं करेगा, इसे इतना गंदा समाज है, इसलिए हमने इसीलिए कहा कि मनुष्य कहाँ है,
आपको कोई मनुष्य दिखा दो, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि आपकी मदद करेंगे और आपका सहारा देंगे, इनका उल्लू सीधा हो जाए बात। इनकी किस आ भैया ले दो बाकी। अच्छा, हम झिल्ली ओढ़ के बैठे हैं, कोई वहाँ बंकर में नहीं बैठे हैं। ले ए, इसको दे यार, इसको दे, ए इसको दे, उसको दे, झिल्ली ओढ़ के बैठो ना। हाँ हाँ, देव देव इसको दे। हाँ ए ये, हाँ दे दे, उठा दे, ये खाए खाए सब, दो दूध दिया। ये थोड़ा अमरूद निकालो, ये हमारे पेड़ के अमरूद हैं सर। राजेश, उसमें बरसात के लिए एक छतरी लगवा लें, है ना, ये ट्राली में एक छतरी लग जाए। चलो आओ, गाड़ी माओ, गाड़ी माओ, जल्दी जल्दी। आ, आ, आने लगे। हाँ खाओ खाओ खाओ, आने लगे आने लगे। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम हट जाओ तुम हट जाओ। हाँ हाँ हट जाओ। ए तो अमरूद को झोला निकाल लो, अमरूद भी बांटो दूर दूर। वो देखो बंदरिया गोद में बच्चा। हाँ खूब दूर दूर बांटना, वहाँ कमरे तक चले जाओ। हाँ बचा के फेंकना, नाली में न जाए। देख रहे हैं आप, हमको भी देख लीजिए। झिल्ली ओढ़ के मैं बैठा हूँ, पूरा केवल खोपड़ी बची है, पीठ बचा है अभी उनका। हैं उसको मत मारो, उठा के तुमका पटका हो चांडा जी। ये बाघिन आ गई, बाघिन बाघिन आ गई। खाओ खाओ खाओ। खाओ खाओ खाओ। बच्चा लिए गोद में, भीग रहे हैं सब। देव 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 निकालो। अब हम ओढ़ के बैठे हैं तो सब भाई खा रहे हैं। अब कैमरा भी चल रहा है, अगर हम झिल्ली हटाएंगे तो कैमरे से बन नहीं पाएगा। आओ जल्दी जल्दी आओ, नहीं है ख़त्म कर दिए। अब आज देखो नहीं कुछ रहेगा ना, अब आज हथकथा मिलेगी। खाओ भूख से इनका पेट जल रहा है। बहुत लोग इसने यानी जिसका सर्वनाश होना होता है वैसे ही करते हैं। इस्लाम ने क्या, इसने तेजी से जो खा रहे हैं इसने क्या, यह आम सड़ा हुआ है, इस सलाम ऐसे ही होता है, है? नहीं जो कुत्ते भूखने वाले होते हैं, कभी उनके बाप दादों ने एक छिलका नहीं खिलाया होगा। खाओ देखो छोटे से हैं, माँ जल्दी जल्दी खा रहे हैं। खाओ आओ भाई, बहुत जल्दी जल्दी आओ, नहीं सब आम ही यही खा गई हैं तो हुआ हथकटी का क्या दीन जाएगी। हाँ तो कस के बहा दो। इनका हम कुछ ना कुछ कीमत भी दे देते हैं उन लोगों को, नहीं देते हैं लेकिन उन लोगों के यही के साथ ये हम चेयरमैन साहब के नाम से हम लोग दे रहे हैं। तो भैया चलो ठीक है, किसी के नाम से दो, किसी का भला होना चाहिए बस। आओ अब क्या बांटना है, चना? हाँ उठाओ उठाओ चना उठाओ, जल्दी जल्दी बांटो। चलो और वहीं उसके यहाँ कोने में रोकना, धनिया दे देंगे बस। हाँ का रख दो रख दो। हाँ रख दो खाओ। अरे हथकटी के लिए का धाम छोड़ो भाई, अब एक हाथ से हम झिल्ली पकड़े हैं, एक हाथ से कैमरा दिखा रहे हैं। ये भी तो देखो, ये भी तो जरूरी है, क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या झेलना पड़ता है, हैं? इसको बंदर भोज कहते हैं। वो ढेर के ढेर गाड़ी में बैठ के दे दिया, वो भोज नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी है, थोड़ा बहुत इनका काम है। एक एक बंदर के ऊपर निगाह रखो। हाँ ये चना दे जाओ, ये चना ठीक। और रोटी नहीं था उसके जगह गेहूँ लेना था, रोटी बनाने वाली बीमार पड़ी हुई है। देखो भैया इसको मत ले जाओ जल्दी को। अच्छा सब जल्दी जल्दी बांट के आओ। ये देखो ये दुकान में ये देखो ये
आलू की घुइयाँ है क्या है। अरे दुकानदार को चाहिए भैया छाता रख लो या झिल्ली रख लो, अब दुकान छोड़ के बैठे हैं उस पार, अब बंदर तो आके नुकसान करेगा ही। और यहाँ ये हर बाजार को रखते हैं, पहले से रखते हैं सब। आज दुकानदारों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, सब सड़क का कीचड़ पानी है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरेंगी, फचाका मचेगा देखो। आओ सुशील खूब जल्दी आओ, नहीं सारा आम खत्म कर दे हैं, खूब जल्दी जल्दी डाल के चले आओ, दूर दूर रख दो। हाँ बस 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 इनका खा दो खा दो खा दो खा दो खा दो राम लोटन खा दो। हाँ इनका नाम है राम लोटन, इनका पिछला हिस्सा अगला हिस्सा बराबर है, कहीं ढूंढना पड़ेगा। कहा भैया कहा नहीं पूछ रहे यार तुम भी बोलोगे क्या, कोई बरसाती हमसे मांग रहा बरसाती मांगा जा रहा है, वहाँ तक चना डाल रहा है। राम लोटन जो अभी इसको ढेला दिखा रहे थे, पिछला हिस्सा इनका पता नहीं कहाँ पर है या नहीं है भगवान जाने। राम लोटन हाँ सुशील जल्दी आओ भाई, सारा आम जब ये खाई डली है तो वहाँ कटेगा खाई। में आम है आज हमारे ऊपर झिल्ली ओढ़े हैं ना, तो हमारे ऊपर कोई नहीं आ रहा है, नहीं सब यहाँ आके हमारे गोद में बैठ जाते हैं, पूरी लुंगी में आम देखो, पैर में सब आम, कुर्ते में सब आम। और पहले रखेंगे अच्छा, चार के जगह 3 बजे, अगल बगल कोई दुकान न लगी हो खा दो सब जने, टाइम लगा रहा है आदमी। आओ जल्दी जल्दी आओ, धीरे धीरे चल रहा है। कहा भैया कहा 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 खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, कहीं बड़े हैं घर के अंदर जो है, खा लो खा लो खा लो, कुछ नहीं। हाँ भाई जल्दी आओ सुशील, नहीं सब आम खत्म हो गई, बस ऐसा बहा दो मैं घास में डाल दो अंदर, मिट्टी में ना डाल दो। हाँ देखो बच्चा दूध मम्मी के दूध दूध पी रहे हैं, अब आई है दुलारी तो भैया तुमको छू दे हम, ओ मैं किसी हनमत राम देवता नमा खाओ। आखिर में दुलारा आएंगी, आखिर में हथकटी आती है आखिर में, ऊपर पानी तो नहीं है। बस बस चलो नहीं सब आम खत्म हो जाएगा, वही खाली धनिया दे 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 बस। हाँ दो चलो पानी भी कुछ रुका, कैसा मम्मी दूध पी रहे हैं, अब भैया छो रहे बालाजी, ये बालाजी छो रहे भाई, बालाजी छो रहे भाई, छो रहे भाई बालाजी छो रहे। अरे भैया ना झिल्ली खींचो यार, अरे काम करिए अब कैमरे को बंद करें है ना, उसको बंद कर रहे हैं। चलो सब झिल्ली उठा के समेट दो किनारे, बहुत लंबी झिल्ली है लेकिन चलो झिल्ली लंबी हो चुकी है। हाँ घरिया दो तुम अंदर घोसेड़ दो हमारे पीछे, हाँ ये अगल बगल उड़े न पावे। हाँ ये हाँ क्योंकि कैमरा हमारा चलता रहे। लेकिन जहाँ हवा लगा वहीं फल फला की उड़ी है ना। चलो उतरो 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 उतरो। चलो भाई तुम आगे बढ़ाओ खुदे उठता जी, तुमका कह की जरूरत है नहीं। चलो खाली धनिया देना अच्छा है, देखो देखो चांदाल का देखो, या देखो या देखो छोटे बच्चे का, या देखो आवा है बच्चा भी उसके पास छोटा। हाँ चलो
है नहीं हाँ। यही लगे पहले कना न ले ली जाए या पहले का खाली करके तब कना दिया जाए है ना। ये झिल्ली में कना लपेट के रख देना है। कना का मतलब घोड़े के लिए, घर में रखा है लेकिन वो पुराना हो गया और नखरे कर रहे हैं खाने में। पहले चल के क्या पूरा सफाई कर दी जाए है ना। हाँ हाँ वही सिविल लाइन से पहले अभी लेना के बाद में। अरे धनिया अभी देव कहीं किनारे गाड़ी लगाओ, बीचो बीच में गाड़ी लगाओ, किनारे गाड़ी लगाओ, धनिया दे आओ जाकर। दस दस बीस रुपया के लिया 100 ग्राम धनिया दे। आगे पीछे 20 रुपया निकाल दे। ये लो बहने, आज महसूस किया एक छतरी जरूरी है। ऐसा खंभा हो जो मन हो छतरी लगा दो, पाइप के अंदर खोस लो और जो मन हो हटा दो, छतरी लगी रहेगी तो किनारे किनारे निकला ना हो कि कहीं गाड़ी में कट करे। बहुत जोर से गांठी नहीं लगावा जाए, नरमा है, खुल जाए। हाँ चलो चलो जल्दी से गाड़ी खाली कर लिया जाए। पोलन खटोला चलो भैया गोडा बाजार चौराहा हम लोगों का छूट रहा है। देख रहे गड्ढा पानी में देखा कैसा उछल जाती है गाड़ी। खाली गड्ढे को भरते रहो बस और कुछ ना करो। खाली गड्ढे में मिट्टी डाल दो साल भर के लिए फुर्सत। कितनी राहत मिले लोगों को। देखो बड़े बड़े हटके एक ही वीडियो बनने दो कैसे कैसे चल रहे हैं। सिविल लाइन चल रहा है सर, फिर घोड़े के लिए कना देना है वो भी देखो मिलता है कि नहीं मिलता। दुनिया भर का जंजाल पाले एक क्विंटल आ गया और रखे रखे तमाम आम के सीजन में आमे खाता रहा, कना खाते खाने भूल गया। अब उसको धूप में आज डलवाए हैं, उसको डिब्बे में रखे हैं। अच्छा बोरी वोरी में नहीं चलना, घर में डिब्बे में रखो, देख देंगे हम। गाड़ी में मजगाट तक नहीं कमीने में लगाया, सब पानी के बौछार ऊपर ही आता है। गाड़ी खाली हो जाएगी, घोड़े के लिए कना लेंगे, घर पहुंच जाएंगे तो समझ लेंगे कि बहुत बड़ा यज्ञ हमारा हो गया। चलो पहले आम ना शुरू करो, पहले आम ही पाट भाई होगा खाली उतार के रखते हैं। हाँ हाँ हाँ
ये नीचे कितनी इसको रहने देना, वहाँ घोड़ा खाएगा, समझ गए? आम उम थोड़ा निकाल लो, चना और चाशनी ये सब रखो, आज घोड़े के लिए रखेंगे। और क्रेट में आम थोड़ा, एक कल एक क्रेट आम रहा कि दो रहा? एक एक रहा। अच्छा, हिसाब से भरना, थोड़ा घोड़े के लिए छोड़ देना। हनुमान महायज्ञ है, आज तो मुश्किलें हैं आना। अब ये सब आम की चाशनी है, ये सब घोड़ा वहाँ चाटेगा खाएगा, गाड़ी को खड़ा कर देंगे वहीं पर, ताज़ा खाना मिल गया तो बड़ा काम बन जाएगा। आम के दिनों में इतना आम घोड़े ने खाया है कि कना खाने भूल गया। हाँ, दूर दूर रखे हो, बहुत नेरे नेरे नहीं, हाँ खूब दूर दूर, चाहे तगड़ा बंदा आ जाए कोई का खाए न दे। एक बार बरस के निकल जाए ठीक, ये पिटेट पिटेट पिटी लगाए ओढ़ के बैठे हम, देखो ये सब पूछ के दें क्या। अच्छा, कोई मंत्री जी गए हैं इसीलिए पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी, मंत्री जी माने भगवान जी। अरे वरे अंधो है, वरे अंधो, अब शुरू हुआ है कि नहीं, अब कोर्ट में जाइए हैं साबित करिए, पूरी तरह कोर्ट में जाओ, पूरे सदरे को दिखावे, फिर वो टीवी पर आवे, ऐसा टीवी चैनल हो जिनको सत्यता दिखानी ही दिखानी पड़े, ये नहीं कि मन की माना करें वो, जैसे प्राइवेट वाले करते हैं, गोदी मीडिया और भौजी मीडिया, बस बात हो गया। 70 साल हो गए सड़क का पते नहीं, हाथ तक नहीं सड़क, कहीं बस कहीं कहीं वी आई पी है ये, इसको टना टन रखे, टोल टैक्स भी लगा दिया। अब खाली चना बाकी है, हाँ ठीक, खाली एकदम गेट के बगल वाले खंभे में ना रखे। अच्छा, लोगों को आते जाते दिक्कत होती, हाँ वहाँ बिल्कुल मत दे, और आते हैं उसी पार से, लेकिन चलो हम अपनी ओर से ना कहने का मौका दें किसी को। चले भैया, कैमरा कहाँ शुरू हुआ था, बंद करें, इधर का सीन देखना है, इधर का सीन देख ले, बहुत बड़ी सिद्धि है। गरीबों का कोर्ट है, पूरा खरीद लेते हैं बेचारे, दो तीन लोग ओढ़ के साथ साथ चले जाते हैं, आता छाता बोझा है ना, कहीं भूल गए, लेकिन छाता बड़ा काम करता है, छाते के सहारे हम बेटी को गीता, हमारी छोटी सी थी, हमारे ख्याल से 7-8 साल की उम्र रही होगी, अब बद्रीनाथ की यात्रा में अकेले हम वो सब घोड़े वाले बग्घी वाले अब निकल गए, अब किस तरह हम गए हैं छाता लौटानी में, लोगों ने कहा कि कोई अगर
जानवर आ जाए तो छाती को एक बार उसके आगे खोल के बंद कर देना, बस कहीं अगर शेर भी होगा तो भाग जाएगा। बहुत भयानक यात्रा थी हमारी, उसको हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जीवन में बड़े बड़े कष्ट उठाए, सब कुछ होते हुए जीवन भर अब ये कष्ट तो है, अब ये आराम है, अब घर जाएंगे, हम नहाएंगे। कल लेबर हमारे भीग गया तो कहना रात में हल्का सा हरारत रहा, हम कहा कि खाने के साथ पानी मत पिया करो, एक एक बोतल पानी पीते हो ना, खाते जाओगे पानी पीते जाओगे। हम भी तो तुम्हारे साथ भीगे हैं, हम तो कहने बुखार आया और उम्र 86 साल। तुम अभी नौजवान हो, सामने बटुही रेस्टोरेंट है, कुछ नहीं होता कि अरे बंदरों के लिए इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, कुछ ना कुछ बचा खुचा सामान निकलता होगा, इसी दीवान पर रखवा दो, एक जगह इनको मिलने लगे तो हमको एक जगह छुट्टी मिल जाए, राहत मिल जाए। लेकिन नहीं, तब उन्होंने कहा जो बिहार वाले थे, कहना आपका नाम चाणक से कम नहीं होगा, लेकिन कब यहाँ मरने के बाद ही कहानी शुरू होती है। सब सेवा के क्षेत्र में, वो राजनीति के क्षेत्र में दूसरा चाणक नहीं हुआ, कहने उनके समाधि तक नहीं बनी आज, जंगलों में रहे, राजमहल में नहीं रहेगा। चले भैया रखें, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम का।